तो दोस्तों बिहार ऑन स्पॉट पर लगातार हम कोसी की यात्रा पर हैं और सहरसा जंक्शन पर इस समय हम मौजूद हैं। सहरसा जंक्शन की तस्वीर आपको हमने दिखाई, ये बिल्डिंग है मेन भवन और उसमें ये प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म को कवर किया गया है ब्लू शीट से, वो इसलिए क्योंकि इधर काम चल रहा है और ये इस तरफ जो है वो ट्रकों की आवाजाही होती है, लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है, तो इसलिए इधर जो है काफ़ी ट्रक्स वगैरह दिखाई देंगे आपको दे रहा होगा, और ट्रैक्टर ट्रक्स माल ढुलाई वगैरह ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आपको हम इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए एक फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। ये फुट ओवर ब्रिज का गर्डर चढ़ाया गया है और ये फुट ओवर ब्रिज इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ये मुख्य द्वार को एक अल्टरनेट रास्ता देगा जंक्शन के अंदर जाने का और बाहर आने का। और ये देखिए गर्डर चढ़ाया हुआ है, इधर गर्डर चढ़ा हुआ है, काम बहुत आगे एडवांस स्टेज में है। और यहाँ से ये गिरेगा, यहाँ पुल, ये जो पुल बना रहा है, ये पुल जो बना रहा है तो ये जंक्शन के अंदर जाने के लिए है, वो अंदर से बाहर आने के लिए, किसके लिए, यात्री के लिए या आप लोग जो काम करते हैं उनके लिए? यात्री के लिए होगा, यात्री के लिए है ना। नहीं, इधर तो माल ढुलाई वगैरह का ही होता है, लोग आता, माल ढुलाई होता है इधर, तो इधर क्या एंट्री एग्जिट बना देगा, रैक पॉइंट का ही या फिर यात्रियों का ही? यात्री का, इधर गिराएगा वो, इस तरफ गिराएगा। और वो जो मुख्य द्वार है जहाँ से लोग अभी एंट्री करते हैं, वो एकमात्र मुख्य द्वार है एंट्री एग्जिट का। अब ये जब बन जाएगा, ये फुट ओवर ब्रिज जब बन जाएगा तो उसका लोड कम हो जाएगा और लोग इधर से ही जंक्शन के अंदर जा करके ट्रेन पकड़ सकते हैं और बाहर आ करके घर को जा सकते हैं। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पर सहरसा जंक्शन पर कि लोड को कम करने के लिए, यात्रियों की भीड़ को कम करने के लिए ये एक फुट ओवर ब्रिज अलग से तैयार किया जा रहा है, बहुत लंबा चौड़ा तैयार किया जा रहा है। ये 5 नंबर तक ये फुट ओवर ब्रिज जाएगा और ये एंट्री एग्जिट का एक बहुत बढ़िया विकल्प बनेगा सहरसा जंक्शन के अंदर। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो लोग सहरसा के अंदर आते हैं ट्रेन पकड़ने के लिए जंक्शन के अंदर, वो इस तरफ से ही, इस तरफ से स्टेशन के अंदर घुस जाएंगे और उस तरफ जो मेन गेट है वो उस तरफ का लोड कम हो जाएगा। तो ये है भविष्य का प्लान रेलवे का। और रेलवे ईस्ट पूर्व मध्य पूर्व जो रेलवे है उसका जो मुख्य जंक्शन में से सहरसा भी आता है, दरभंगा सहरसा मोतिहारी ये तमाम जगह आते हैं, तो इसलिए इस पर खास विशेष ध्यान है। तो इस तरीके से रेलवे जो है आगे का प्लानिंग कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे, आप देखते रहिए बिहार ऑन स्पॉट और हमारा सहयोगी दरभंगा रॉक्स भी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।